क्योंकि मर्यादा भी कम होते जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जा रहा है कि हम औकात दिखाएंगे, आपको जनता को देख के क्या लग रहा है, क्या है गुजरात का माहौल? जो प्रधानमंत्री जी को औकात दिखाने की बात करते हैं, उनकी स्वयं की क्या औकात है उन्होंने एक बार देख लीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत गलत है। प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने इतने गलत गलत शब्दों का हमेशा इस्तेमाल किया और गुजरात की जनता ने सूद समेत उसको वापिस किया है। कभी मौत का सौदागर कहा है, कभी नीच का है, कभी नीची जाति का कहा है, ये सारी चीजें गुजरात की जनता इस पे गुस्सा है और गुजरात की जनता सूद समेत ऐसे नेताओं को वापस करेगी। दिल्ली की पंछी जिसे आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में जो सीएम है बहुत कमजोर है, हमारा सीएम कैंडिडेट बहुत मजबूत है और दृढ़ होकर फैसला ले सकता है। ऐसा है भैया, जिनका कोई वजूद ही नहीं है और जिनकी कोई एक भी सीट चुनकर आने वाली नहीं है, उनकी लड़ाई किससे पता है? उनकी लड़ाई यहाँ पर ये डिपॉजिट के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। जितने डिपॉजिट वो बचा पाए उतने काफी है। इसलिए आप तो गुजरात का क्या, वो तो अमेरिका का भी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कोई उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। उसके लिए न पैसा लगता है न अकल लगती है। तो कोई भी किसी की भी घोषणा कर सकता है, घोषणा की होगी, लेकिन गुजरात की जनता उनकी जगह उनको दिखाएगी। वो कह रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ जाना चाहिए और छुप छुप के मिलते के साथ है। आम आदमी पार्टी ये गुजरात में कांग्रेस की बी टीम है, ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका एजेंडा कोई विकास का एजेंडा नहीं, इनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी का विरोध।